ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक वाइट सेवियर आयरन मैन है इस इंसान के पास, और पता नहीं यार कहाँ से इसके पास इतना खूबसूरत सूट आ गया। मैं तो इतना गरीब हूँ, समझ नहीं आ रहा। ए भाई मेरी पास सुनो, एक कॉफी वाले भैया। क्या बात है भैया, बहुत बिजी हूँ मैं। अरे मुझे भी बता दो सूट आपसे कहाँ से खरीदा है। मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदना है। अगर तेरे को भी उसका एड्रेस चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवा, नहीं तो नहीं मिलेगी वो साइट। अरे गाइस जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, फिर ना यार ये इंसान मुझे उस वेबसाइट के बारे में बता देगा। देखिए गाइस, देखिए अपने फोन में कुछ कर रहा है। इसके पास तो एक ऑनलाइन शॉप है, पता नहीं कौन सी शॉप है, सारे सूट लॉक पड़े हैं, शायद ये वहीं से खरीद रहा है उन सभी को। चलिए दोस्तों मैं भी अपना फोन खोलता हूँ। नहीं, मेरे पास तो कोई शॉप ही नहीं है। जल्दी गाइस लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, फिर ना मुझे भी वो शॉप मिल जाएगी और वहां से मैं सारे सूट खरीद के अपग्रेड कर सकता हूँ। अरे वाह गाइस, हमारे पास भी ये शॉप आ चुकी है, और ये तो गोल्डन आयरन मैन की शॉप लगती है, क्योंकि इसके पीछे देखिए गोल्डन आयरन मैन का फोटो लगा हुआ है। लेकिन यार $1 भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो $1 का सूट भी नहीं खरीद सकता। $100 का तो जब खरीदूंगा, मेरा मतलब $100 million का। तो गाइस कोई बात नहीं है, मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हम ना सबसे पहले $1 कहीं से कमाएंगे या चुराएंगे, कुछ तो करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पहले सूट बाय करेंगे $1 वाला। एक मिनट गाइस, ये यहां पर क्या चल रहा है? अरे भाई मैं बहुत ही थक गया। अरे भाई क्या हो गया, कैसे थक गए आप? अरे भाई मैं असल में एक गार्डनर हूं और मुझे यहां पे घास काटनी है। ओ ऐसा, तो आप थक क्यों गए? भाई आज मेरी तबीयत खराब है, प्लीज क्या तू मेरे काम को कर देगा? अगर तू करेगा तो मैं तेरे को कुछ पैसे दे दूंगा। क्या बात है गाइस, यही सही अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। ठीक है भाई, मैं ना आपकी थोड़ी बहुत घास काट देता हूँ, आप मुझे $1 दे देना, ठीक है, एक घंटे के। ठीक है भाई, ले कर ले तू भाई, ले ले, वहां पे मेरी खुरपी रखी है। ओ ऐसा, तो गाइस यहीं पर कुछ रखा था। हाँ तो गाइस हम जल्दी यहाँ पे कुछ घास काट लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। गाइस एक घंटा हो चुका है और मैंने यहाँ पर काफी सारी घासों को एकदम स्लिम कर दिया है काट काट के। ठीक भैया शुक्रिया, मैं तेरे अकाउंट में $1 कर देता हूँ अभी के अभी। ठीक है भाई कर दो कर दो। यस गाइस हमें फाइनली $1 मिल चुका है। चलिए अब जल्दी जाते हैं और कहीं जाकर $1 में खरीदते हैं उस ऑनलाइन वेबसाइट से गोल्डन आयरन का सूट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर देखिए $1 है और $90,000 भी है। नहीं फिलहाल तो हम $1 में खरीद सकते हैं एक सूट। अरे वाह गाइस, हमने $1 में खरीद लिया यहाँ पर गोल्डन आयरन का सूट। लेकिन गाइस $1 में क्या ही मिलता है आजकल, देखिए तो मेरे पास कोई सुपर पावर तो है नहीं अभी बस, लेकिन सूट मिल चुका है। खैर कोई नहीं गाइस, अभी ना हमें $90,000 और कमाने होंगे, उसके बाद हम और सूट खरीद लेंगे। वह फ्रैंकलिन घबरा, जल्दी मेरे पास आ यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या हो गया? अब जल्दी आ, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। गाइस यार फ्रैंकलिन को बुलाया गया टोनी स्टार्क के द्वारा, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ। आ गया मैं, टोनी स्टार्क आ गया। अब भाई यार देख क्या हो गया मेरे सूट का। ओ माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क का इतना महंगा सूट किसने जला दिया बुरी तरह से। अबे फ्रैंकलिन तेरे पास ये सूट कहाँ से आ गया? भाई मैंने खरीदा था, थोड़ा सा नकली सोना ही इसलिए नहीं है। हाँ तो मेरी बात सुन यार, असल में रेड हल्क ने भाई मेरा एक गोल्डन आयमंड का सूट चुरा लिया और साथ साथ में मेरे बाकी सूट्स को जला दिया है। प्लीज मेरे उस गोल्डन आयमंड के सूट को वापस लिया, मेरे पास कोई भी सूट नहीं बचा है। अगर तू वापस लाएगा पक्का मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा यार, मेरे पास जितने भी $1,000 होंगे सब तुझे दे दूंगा, प्लीज ले आ। और एक गाइस यहाँ पर तो हमें जॉब मिल गई और $1,000 की जॉब मिली है अब। लेकिन यार मेरे पास तो $1 का सूट है, इसका इस्तेमाल करके मुझे उस रेडल को पीटना होगा और टोनी स्टार्क के किसी आयरन मैन के गोल्डन सूट को लाना होगा। ये तो सच में गोल्डन सूट है, मेरा तो गाइस नकली वाला है $1 वाला, और बहुत ही महंगा सूट है। नाटो गाइस यहाँ पर रेड हल्क को मैं पीटना, ये ले दे दो, कौन मारी। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर हमने रेड हल्क को कर दिया है बेहोश। अब मेरे पास यही बेस्ट चांस है, मैं एक काम करता हूँ, टोनी स्टार्क के सूट के साथ साथ रेड हल्क को भी लेके जाता हूँ। क्या पता टोनी स्टार्क मुझे और पैसे देते, क्योंकि टोनी स्टार्क तो बहुत ही गुस्सा होगा इस रेड हल्क से। तो एक काम करते हैं, इस रेड हल्क को जल्दी से यहाँ से उठाते हैं। अरे भाई काफी मोटा है ये। अरे अरे अरे, बढ़िया गाइस अब इसको जल्दी लेकर चलते हैं यहाँ से। अब छोड़ मुझे, एक मिनट ये बोलने कहाँ से लग गया, लगता है गाइस ये होश में आ रहा है। इससे बेटर तो ये मैं इसे छोड़ूं और यहाँ से भाग ही लेता हूँ। फ्रैंकलिन तू भाग नहीं पाएगा, रुक जा बना रहा हूं। अरे नहीं 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 छोड़ मुझे। अरे गाइस कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो, नहीं तो ये मुझे मारता रहेगा। आई और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, जिसने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कमेंट में यस जरूर लिखना, या फिर फ्रैंकलिन ओपी। और कोई कुछ नहीं लिख रहा, तू गया, मजा ही आ गया। अरे गाइस पहला प्लान फेल गया, उस रेड हल्क ने तो मुझे यार बहुत बुरा से पीटा, वो तो बेहोश ही नहीं हुआ था। अब कहना मैं जल्दी करूंगा और इस बार 2-3 गोलियां मारूंगा जिससे सही में बेहोश हो जाए। बाकी गाइस जिसने बच्चों ने
वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच उनके लिए। बाकी तुमने यहाँ पे रेडल को फिर से बेहोश करा, अब रोक बनाता हूँ। अरे ये तो फिर से बोल रहा है, लगता है एक और मारनी पड़ेगी। अब मेरे हिसाब से बेहोश हो चुका है पूरी तरह से, दो दो गोलियां लग गई हैं। अब गाइस एक काम करते हैं, इस गोल्डन आयरन मैन के सूट को उठाते हैं। लेकिन यार मैं इतने मेरे अंदर ना इतनी जान नहीं बची है, मेरे पास पावर भी नहीं आयरन मैन की, तो हम ना किसी की कार लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे खाली कार पड़ी है, पता नहीं किस बेचारी कार होगी। चलो कोई नहीं, वापस कर देंगे। सबसे पहले जाते हैं और जाकर रेडल की बॉडी को और उस गोल्डन आयरन मैन के सूट को दोनों को इस कार से अटैच करेंगे और टोनी स्टार्क के पास ले जाएंगे। चलो गाइस यहाँ पर कार मैंने सेट कर ली अपनी, अब जल्दी से काम करता हूँ, इस रेडल को अटैच करता हूँ इसे। ओह माय गॉड काफी थक गए गाइस आज तो। कोई बात नहीं है, पैसे कमाने के लिए ये सब करना होता है, तभी तो जाके हम सूट खरीदेंगे गाइस उस ऑनलाइन गोल्डन शॉप से, जहां पर हमें नए नए प्यारे प्यारे गोल्डन आयरन के सूट मिलेंगे। क्या बात है फ्रैंकलिन, आ गया तो बिल्कुल भाई मैं आ गया हूं और तेरा गोल्डन आयरन का सूट भी लेकर आ चुका हूं। और यहां पर रेडल को भी, क्या बात है रेडल को भी ले आया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर मैं तेरे को देता हूं 50 डॉलर। नहीं भाई 50 डॉलर तो कम है, थोड़े ज्यादा हो जाते तो अच्छा होता। अच्छा चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, ले भाई तेरे को यहां पे 90,000 डॉलर कर देता हूं मैं। क्या 90,000 डॉलर गाइस, बहुत ही सही। टोनी स्टार्क खुश हो गया क्योंकि हमने उसको रेडल भी दे दिया था ना लाकर, इसीलिए उसने हमें 90,000 डॉलर दिया। अब चलो 90,000 डॉलर में कोई सूट खरीदते हैं। तो यहां पर ये रहा 90,000 डॉलर का सूट और इस पे करते हैं हम बाय पर क्लिक और ये किया हमने क्लिक और बहुत सही गाइस हमें यहां पर मिल चुका है एक नियॉन गोल्ड आयरन मैन। गाइस यार पहले वाले सूट में तो मेरे पास कोई पावर ही नहीं थी, होप करता हूं इस बार उड़ने की शक्ति मिल जाए। चलो देखते हैं, अरे वाह गाइस इस बार तो मैं उड़ने लग गया। वैसे अभी मेरे पूरे सूट पे अभी गोल्ड नहीं है गाइस, देख रहे होगे आप कहीं कहीं गोल्ड है, क्योंकि ये 90,000 का है ना। टोटल गोल्ड तो मुझे जब मिलेगा जब मैं और सूट खरीदूंगा। ये क्या न्यूज़ आ रही है, अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, थानोस की बहुत ही खतरनाक शॉट स्टार्क मेंशन से अभी अभी चोरी हुई है, जो भी उस शॉट को टोनी स्टार्क को वापस लाके देगा वो उसको बहुत पैसे देगा, भागो रे। क्या बात है गाइस, ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ हो गई। अभी तो मैंने टोनी स्टार्क के लिए एक मिशन किया था, एक और मिशन मिल गया। चलो जल्दी चलते हैं और थानोस की उस शॉट को वापस लाते हैं। गाइस मैंने सुना है थानोस की शॉट को ना इस ब्लू रिवेंजर हल्क ने किडनैप किया है, मतलब एक तरह से चोरी किया है। और गाइस यार इससे इस शॉट को वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। कोई नहीं दोस्तों, अगर मैंने इस शॉट को वापस ले लिया तो टोनी स्टार्क कम से कम मुझे 2-4 मिलियन डॉलर तो दे ही देगा। अबे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये शॉट बहुत ही खतरनाक है, ये माउंट थानोस की शॉट है, मैं थानोस को वापस बुलाऊंगा और दुनिया की आधी आबादी को खत्म करवा दूंगा। आधी आबादी को खत्म करवा देगा, नहीं अब तो गाइस हमें इसे पीटना होगा। तो चलो दोस्तों साथ में इसको पीटते हैं और यहां पर इस शॉट को वापस से स्टॉक मेंशन लेकर जाते हैं। अच्छा बेटा बता रहे, बाप रे तू तो सच में मार रहा है। देखा गाइस जो भी मेरे सपोर्ट में कमेंट में जल्दी फ्रैंकलिन ओपी लिख दो यार, मैं भी तो देखूं कितने बच्चे सपोर्ट करना चाहते हैं अच्छाई और सच्चाई को यहां पर। और हम यहां पर बहुत ही सही तरह से इस गॉड रिवेंजर को पीट रहे हैं जो कि ब्लू वाला है। यस गाइस आपने देखा यहाँ पर रिवेंजर बहुत ही सही तरह से पिट चुका है और अभी हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो चलो अब जल्दी चलते हैं और इस सॉर्ड को लेकर जाते हैं और इसको बेच देते हैं, मतलब टोनी स्टार्क को वापस दे देते हैं, फिर तो वो हमें पैसे दे ही देगा। तो गाइस मैंने सॉर्ड को अटैच कर लिया अपने आप से और ये गया मैं पूरे स्पीड में स्टॉक मेंशन की तरफ। तो वो उधर तरफ स्टॉक मेंशन है, ठीक है मैं यहाँ पर पूरी स्पीड में जा रहा हूँ और मैं फाइनली पहुँच गया। अब मैं तो बर्बाद हो गया यार, वो सॉर्ड कहाँ गई, क्या बात है गाइस टोनी स्टार्क ने तो को पिछले में रख रखा है। अब फ्रैंकलिन मुझे बाहर निकलवा दे, ए चुप कर रेडल, अरे भैया निकलवा दे यार, ए चुप रहे रेडल, अरे वाह फ्रैंकलिन तू तो यहाँ पर यार सॉर्ड ले आया थानोस वाली, थैंक यू सो मच भाई यार, थैंक यू सो मच, से बांधनी पड़ेगा भाई, पैसे भी चाहिए मुझे। अरे ठीक है चल पैसे ले ले, कितने पैसे लेगा बता, कम से कम 20-25 मिलियन डॉलर। क्या अबे 20-25 मिलियन डॉलर तो काम भी नहीं किया तूने इतने सारा, चल ठीक है ले तेरे को 10 मिलियन डॉलर देता हूँ। क्या 10 मिलियन डॉलर, चलो गाइस 10 मिलियन डॉलर भी बुरे नहीं है, यहाँ पर वैसे हमने पूरी दुनिया को बचाया फिर भी 10 मिलियन डॉलर मिल गए, मजा ही आ गया। चलो अब जल्दी जाते हैं किसी सेफ जगह और जाकर देखते हैं 10 मिलियन डॉलर में कोई सूट है भी या नहीं। गाइस काश मुझे 10 मिलियन डॉलर में कोई नया आयरन मैन का गोल्डन सूट मिल जाए। तो चलिए उस ऑनलाइन शॉप पे चलते हैं। अरे वाह गाइस यहाँ पर तो एक 6 मिलियन डॉलर का सूट है, इसी को बाय कर लेते हैं। तो इसको करते हैं हम बाय और यस यहाँ पर हमें मिल चुका है 6 मिलियन डॉलर का गोल्डन आयरन मैन सूट। और देखिए गाइस ये तो पहले वाले से ज्यादा गोल्ड का सूट लग रहा है मुझे और इसकी पावर्स भी बेटर लग रही है, ड्यूरेबल भी है। लेकिन गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास 4 मिलियन डॉलर और है, क्यों ना इन पैसों का भी यूज करके कोई सूट खरीद ले। नहीं यार लेकिन नेक्स्ट सूट तो यार 45 मिलियन डॉलर का है, मतलब
अभी हमें और पैसे कमाने होंगे। चलो एक काम करते हैं, न्यूज चैनल पे देखते हैं क्या चल रहा है। भागो भागो भाग, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सूट बनाया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करो नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी मिलिट्री बेस में। क्या मिलिट्री बेस में कोई खतरनाक सूट बनाया जा रहा है और उसको अगर मैंने तबाह नहीं किया, मतलब किसी ने भी तबाह नहीं किया तो दुनिया खत्म हो सकती है? अरे गाइस एक मिनट, यहाँ पर तो मिलिट्री आर्मी किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट चला रही है। हे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे भैया कौन है यार, मारो उसको। नहीं मैं तुम लोगों को मारूंगा। अरे बाप रे कितना बड़ा मार रहा है। ये लो गाइस, ये तो एक ईविल ब्लैक पनिशर का सूट है और सच में यार ये अगर रेडी हो जाता तो दिक्कत हो सकती थी। एक मिनट गाइस, जैसे ही मैंने ब्लैक पनिशर को हराया उसके पास से मुझे मिल गए 41 मिलियन डॉलर और मेरे पास हो चुके हैं टोटल अब 45 मिलियन डॉलर। लेकिन गाइस एक बैड न्यूज है, पूरे शहर की मिलिट्री बेस वाली आर्मी मेरे पीछे लग गई है। अरे भैया भागो यहाँ से। गाइस सबसे पहले किसी सेफ जगह चलता हूँ। बहुत सही गाइस, हमने यहाँ पर देश को बचाया और साथ साथ में पैसा भी कमाया। अब चलो गाइस यहाँ पर ना ये घर सही रहेगा छुपने के लिए, बहुत ही सही। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, निकालता हूँ अपना स्मार्टफोन और चेक करते हैं गाइस अब हमें अपने स्मार्टफोन में कौन सा सूट अवेलेबल। अरे वाह गाइस यहाँ पर तो एक सूट है 45 मिलियन डॉलर वाला, देखिए नीचे लेफ्ट में। तो काम करते हैं इसको पैक कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा सूट है ये। क्या इसको क्लिक, ओ माई गॉड गाइस ये तो गोल्डन एलिमेंटल सूट है, कितना ही सही लग रहा है यार ये सूट। तो दोस्तों इसका यूज करके ना हम अच्छे अच्छे विलन्स की बैंड बजा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले ना यहाँ पर पूरी स्पीड में उड़ते हैं। और एक मिनट ये क्या हो रहा है गाइस, ये तो प्रेसिडेंट का घर है और प्रेसिडेंट के घर में आग कैसे लग गई इतनी सारी। गाइस हमें जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा और आग बुझवानी पड़ेगी, नहीं तो अरे एक मिनट ये तो प्रेसिडेंट है। और मैं बर्बाद हो गया बेटा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे घर में आग लगा दी, प्लीज कैसे भी करके मेरे घर की आग बुझा और पता कर किसने मेरे घर में आग लगाई है। उस दुश्मन को पकड़ के ला, मैं तुझे साक्षात 100 मिलियन डॉलर दूंगा। क्या 100 मिलियन डॉलर आपके दुश्मन को पकड़ने के लिए? तो गाइस अगर हमें हमारे देश के प्रेसिडेंट के घर पे लगी आग का बदला लेना है, मतलब उस विलन को ढूंढना है, तो दोस्तों अभी के अभी हम काम करते हैं, जल्दी जाते हैं और जाकर उसको पीट कर प्रेसिडेंट के पास लाते हैं। एक मिनट ये कौन हंस रहा है, मजा ही आ गया, मैंने प्रेसिडेंट के घर पे आग लगा दी। क्या गाइस ये तो रेड रिवेंजर हल्के जिसने हमारे प्रेसिडेंट के घर पे आग लगाई है, इसका मतलब दोस्तों यही है विलन। और अगर मैंने इसको पीट दिया तो मुझे 100 मिलियन डॉलर मिलेंगे। क्या कहा फ्रैंकलिन, मुझे पीटेगा तू, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे पकड़ूंगा, तू तो बहुत बुरा मार रहा है। गाइस देखिए हम यहाँ पर रेड रिवेंजर को अच्छी तरह से पीट रहे हैं, शायद इसको पता नहीं था मेरे पास 45 मिलियन डॉलर का गोल्डन एलिमेंटल सूट है, उसका इस्तेमाल से मैं किसी की भी बैंड बजा सकता हूँ। और गाइस हमने यहाँ पर रेड रिवेंजर को डिफीट कर दिया है। चलो एक काम करते हैं, अब जल्दी से इसको उठाते हैं और अपने प्रेसिडेंट के पास जाते हैं लेकर, जिससे कि वो इसको प्रिजन में डालें और सजा दें। और क्या बात है बच्चे, तू तो इसको ले आया। बिल्कुल सर मैं इसको ले आया, बहुत बढ़िया बच्चे है, तुझ जैसे बच्चे हमारे देश में और हुए तो देश आबाद हो जाएगा। मैं तूने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं सरकार से तुझे इनाम दिलाऊंगा। बिल्कुल सर शुक्रिया सो मच। बाकी आप बोल रहे थे मुझे 100 मिलियन डॉलर मिल गए। अरे हाँ हाँ बच्चे, मैं तो यार ऑलमोस्ट भूल ही गया था। चलो जल्दी से अपना अकाउंट बता। मेरा अकाउंट है फ्रैंकलिन नाम से। अच्छा ठीक है, ये ले 100 मिलियन डॉलर। अरे वाह गाइस हमारे प्रेसिडेंट तो बहुत ही अच्छे और अमीर दिल के हैं, देखिए हमें डायरेक्ट 100 मिलियन डॉलर दे दिए इन्होंने। अब जल्दी जाते हैं और जाकर दोस्तों कोई सूट खरीदते हैं 100 मिलियन डॉलर का। पूरी स्पीड में भागूंगा मैं यहाँ से, इससे पहले कि कोई और देख ले उस ऑनलाइन वेबसाइट को। हमें जल्दी से लास्ट वाला जो सूट है ना गाइस, गॉड आयरन मैन का, जो कि गोल्डन टाइप का है, जो कि दिख भी नहीं रहा है मुझे, देखिए यहाँ पर। गाइस पता नहीं यार 100 मिलियन डॉलर में कौन सा सूट होगा। चलो काम करते हैं, बाय बटन पे करते हैं क्लिक और करते हैं इसको बाय। ओ माय गॉड गाइस ये तो 3-हेडेड गोल्डन अल्ट्रॉन सूट है, कितना प्यारा लग रहा है यार ये। गाइस अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।